और गाइस ये देखो, ये ऑटोमेटिक ना क्लीनिंग मशीन देख रहे हो कितनी ज़्यादा हाईटेक है। और बाकी कुछ ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम वगैरह होती नहीं है। और उसके अलावा पीछे एक बड़ी सी आपने जेलेडी स्क्रीन देखी, उसके जस्ट पीछे इमिग्रेशन है। हेलो एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ अविनाश और इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट के ऊपर। तो ये वीडियो वैसे तो मैं आखिरी में बना रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो सबसे पहले आएगी क्योंकि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है इंडियंस के लिए कि वो अभी थाईलैंड फ्री में घूम सकते हैं। गाइज आपने बिल्कुल सही सुना, आप बिल्कुल फ्री में घूम सकते हो। ये जो स्टार्ट हो रहा है, ये हो रहा है 10 नवंबर 2023 से लेके मई 10 2024 तक। आप कोई भी 30 दिन आराम से घूम सकते हो, आपको कोई भी वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँ कि आप बेसिक से डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखिएगा, जैसे कि हॉस्टल और होटल बुकिंग हो गया, और करेंसी आप थाई बाट थोड़े से रख सकते हो अपने पास, 10,000 जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है ये रखो। लेकिन आपसे ना वीज़ा अराइवल मांगा जाएगा, ना आपसे स्टैम्प वीज़ा मांगा जाएगा, आप आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो। ये बेसिकली एक इनिशिएट स्टार्ट किया गया है थाईलैंड गवर्नमेंट के द्वारा, बेसिकली रशिया के लिए भी स्टार्ट किया गया है, लेकिन ताइवान और इंडिया के लिए ये है फ्रॉम नवंबर 10 2023 से लेके मई 10 2024 तक। तो अगर आप अपना 2200 बाट बचाना चाहते हो, जो इंडिया में 5,000 रुपये अप्रोक्सीमेट हो जाता है, तो इन दिनों के बीच में आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो। और इस वक्त मैं स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट के ऊपर बैठा हूँ, जैसे कि आपको पीछे दिख रहा होगा, काफ़ी अच्छा। और गाइस मेरी ट्रिप काफ़ी अच्छी रही, अभी कुछ दिन में वीडियोज़ आना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि देखो गाइस ट्रैवलिंग में थोड़ा सा मैनेज करनी होती है सारी चीज़ें। तो सो सॉरी फॉर दैट कि मैं वीडियो भी टाइम पर नहीं डाल पा रहा था, तो अभी वीडियो टाइम पर आएंगी और पूरा थाईलैंड अच्छे से दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आप इस चीज़ को फॉलो करके अपनी ट्रिप को आसान बना सको। और अभी मैं आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें बता देता हूँ, जब भी आप थाईलैंड आते हो तो इन चीज़ों का आप अपने पास रख लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी आगे डिफ़िकल्टी ना आए। सबसे पहले चीज़ तो आती है कि सिम एयरपोर्ट से ले लो, तो सिम आपको कहाँ से लेनी है पहले वो दिखा देता हूँ। और गाइस जो अगर आप इस एयरपोर्ट के ऊपर आते हो, अगर आपको कुछ भी खाना वगैरह है ना, तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये मैकडोनल्ड्स है, लेकिन यहाँ से ना लोगे तो बेटर रहेगा, अगर बिल्कुल सामने जाके ना वहाँ पर आपको एक वो मिल जाएगा 7-Eleven करके, तो वहाँ पर 50 बात के अंदर 40 बात के अंदर आप आराम से कुछ भी खा सकते हो। और मैकडोनल्ड से लोगे तो गाइस अप्रॉक्सीमेट आपका जो एवरेज बिल बैठेगा वो 200 से 300 बात का बैठ जाता है, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिया था, क्योंकि मेरे पास कुछ थाई करेंसी बच गई थी, तो मैं वापस जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि उसको निपटा के चले जाता हूँ। तो अभी मैं जो नीचे जा रहा हूँ, आपको दिखाने वाला हूँ कि आपको कहाँ से सिम बाय करनी है, क्योंकि जब मैं आया था तब मैंने बहुत जगह इधर उधर घूमा फिरा सिम के लिए, मुझे कहीं नहीं मिली। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, अगर आप 30 दिन का ट्रिप कर रहे हो तो इट्स बेटर टू टेक द सिम फ्रॉम यहाँ से, भी मैं आपको दिखाऊँगा, वहाँ से आप आराम से ले सकते हो। सो गाइस ये जितने भी आपको काउंटर्स वगैरह दिख रहे हैं, सारे के सारे सिम प्रोवाइडर्स हैं। तो और आपको जो सिम लेनी है, ट्रू 5G की सिम ले लेना, 30 दिन के अगर आप ट्रिप करते हो तो आपको काफ़ी सस्ते में सिम मिल जाएगी अनलिमिटेड के लिए। और जो डिपार्चर है वो गाइस वो ऊपर है, तो मैं अभी नीचे आया हूँ सिर्फ आपको यहाँ पर सिम का शो करने के लिए। और खाने पीने का जो अगर आप आते हो किसी भी टाइम, तो आपको मिल जाएगा 7-Eleven करके, तो आप आराम से खा सकते हो। तो गाइस अभी इंडियंस के लिए सबसे बेस्ट चीज़ यही की गई है कि वो 30 डेज तक आराम से बिना वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बड़ी बात है किसी भी कंट्री के लिए। तो गाइस अभी अगर आप चाहते हो ट्रैवल करना, तो आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो। अभी मैं वापस से ऊपर चलता हूँ, देन उसके बाद में आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें और बता देता हूँ, जब आपको थाईलैंड ट्रैवल करना हो तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और गाइस अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि आपका पैसा खर्च ज़्यादा ना हो, तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हो, और क्योंकि ग्रैब में काफ़ी ज़्यादा पैसा वेस्ट हो जाता है, क्योंकि जब मैंने कंपैरिजन करना स्टार्ट किया, जो कि आपको मेरी आने वाले वीडियोस में सब चीज़ पता चल जाएगी जब आप देखोगे उनको, तो ये मैं आपको पहले ही इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप अपना पैसा बचा सको। तो यहाँ पर आके पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हो आप लोग, और अगर आपको कहीं से भी कहीं तक भी जाना है तो वो सारी सुविधाएँ अवेलेबल हैं, गूगल मैप पर आपको सारे ऑप्शन बता दिए जाते हैं। और गाइस अभी जब मैं अभी ऑलमोस्ट ऊपर आ चुका हूँ, मैंने आपको नीचे पूरा दिखा दिया है, ये सर्विस प्रोवाइडर्स हैं बेसिकली सिम के, ट्रू 5G के, तो आप यहाँ से सिम बाय कर लीजिएगा। अभी मैं आ चुका हूँ डिपार्चर सेक्शन के अंदर, तो यहाँ पर थोड़ी देर बैठता हूँ। खाने का लिए तो आप 7-Eleven इज़ द बेस्ट ऑप्शन इन थाईलैंड।
सो गाइस देखो, ये स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट के ऊपर इस सेल्फ चेक इन का भी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसमें बेसिकली क्या करना है, अगर आपकी इन सारी कंपनीज से भी कोई भी एयर फ्लाइट है तो इस फ्लाइट पर आगे से मैं मान लेता हूँ मेरे कतर एयरवेज़ का है। कतर एयरवेज़ के बाद मुझे यहाँ पर अपना स्कैन पासपोर्ट करना पड़ेगा, जैसे पासपोर्ट स्कैन करने के लिए देन कंटिन्यू टू चेक इन करूँगा। कंटिन्यू चेक इन करके यहाँ पर अपना पासपोर्ट डालूँगा, स्कैन होके यहाँ से मेरा बोर्डिंग पास निकल जाएगा नीचे से, और यहाँ से मेरे बैग के टैक्स निकल जाएंगे। फिर उसके बाद मुझे सिर्फ बस सबमिट कर देना है। तो अभी अगर आपकी ये सारी फ्लाइट्स जैसे KLM हो गया, कैथी पैसिफिक हो गया, फिनएयर हो गया, कतर एयरवेज़ हो गया, एयर फ्रांस हो गया, चाइना एयरलाइंस हो गए, तो इन सारे में सेल्फ सर्विस चेक इन का ऑप्शन अवेलेबल है। उसमें क्या करना रहेगा, फिर आपको बस अपना ना बैगेज वहाँ पर डाल देना होगा बैग टैग के साथ, एंड देन उसके बाद में सिर्फ आप डायरेक्टली फ़्लाइट के अंदर जा सकते हो। देखो कितना सही ऑप्शन बना रखा है। अब अपनी तो स्पाइस जेट है, अभी उसमें लिखा तो हुआ है कि यार पी ऑप्शन पे चले जाओ, वहाँ पे स्टार्ट हो चुका है बोर्डिंग पास मिलना, बट आई डोंट थिंक सो अभी तक स्टार्ट करें, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट सिर्फ टाइम हुआ है, आप देख सकते हो अभी टाइम हुआ है 10 बजने वाले हैं और फ्लाइट ऑलमोस्ट 3-3:30 बजे के आसपास है, तो आई थिंक 12 बजे के आसपास स्टार्ट करेंगे। ऑलमोस्ट 2 घंटे पहले ही स्टार्ट होता है, और ये पता नहीं बाकी लोग कहाँ जा रहे थे, कितनी लंबी भीड़ लगी है, आगे भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। सो गाइज, ये आप देख सकते हो कि अपनी जो है वो 345 पे है, SG88 सबसे टॉप पे रो नंबर P पे लिखा हुआ है। सेल्फ चेक इन तो नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद में हमें वहीं पर जाके बोर्डिंग पास वगैरह मिलेगा। लेकिन इस एयरपोर्ट के ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, पूरा खचाखच फुल रहता है, देख रहे हो डिपार्चर में कितने लोग हैं। ये अभी गाइज बस वेट कर रहे हैं कि जल्दी से बैगेज दें, अगर लॉन्च में जा पाए तो लॉन्च में जाऊँगा, वरना फिर वहाँ जाके रेस्ट करना पड़ेगा। और बीच बीच में ना आपको मैं बताते भी रहूँगा कि अभी जो नया प्रोसेस स्टार्ट हुआ है वीज़ास के लिए, जैसे फ्री वीज़ा इंडियंस के लिए स्टार्ट कर दिया है, तो आप क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो, क्योंकि वीडियोस आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा आई नो। तो जैसे कि सिम तो आप एयरपोर्ट से ही लेना, जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया था, उसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो आप कर लेना यूज़, ग्रैब वगैरह जब इमरजेंसी हो तभी यूज़ में लेना, वरना मत लेना यूज़ में। और काफ़ी सही एयरपोर्ट है और काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है ये। सो गाइस, मुझे मेरा बोर्डिंग पास मिल गया है, 23F है, मतलब विंडो सीट है अपनी। और कुछ चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप स्पाइस जेट से ट्रैवल करते हो तो अगर आपका लगेज थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो 1 kg का 400 बाट एक्स्ट्रा लगता है। तो भाई 400 बाट × 2.43 कर लेना, INR में अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो गाइस एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी आप कुछ भी लेके आते हो तो चेक कर लीजिएगा, वरना एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है। तभी मैं जाता हूँ इंटरनेशनल डिपार्चर पे जा रहा हूँ। सो गाइस, ये अभी इंटरनेशनल डिपार्चर पे जा रहा हूँ मैं, और पीछे ना आपको यहाँ पर अपना स्कैन करना होता है, यहाँ पर आपको अपना बोर्डिंग पास स्कैन करना होता है। और एक बार ये ऊपर से देख लो, ये स्वर्ण भूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कैसा लगता है, काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है और काफ़ी मैक्सिमम नंबर ऑफ़ फ्लाइट्स यहाँ से जाती हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है। तो एक बार इमिग्रेशन क्लियर करा लेते हैं देन चलते हैं। सो गाइस, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ इमिग्रेशन था और सिक्योरिटी चेक भी काफ़ी स्मूथ था, कुछ भी नहीं निकलवाया, बस आपके जूते निकलवा के रखवा लेते हैं, बेल्ट भी नहीं निकलवाते। और आपके बैग में अगर पावर बैंक वगैरह है तो उसको फुल चार्ज मत करना, और बाकी कुछ ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम वगैरह होती नहीं है। और उसके अलावा पीछे एक बड़ी सी आपने जेलेडी स्कैन देखी, उसके जस्ट पीछे इमिग्रेशन है, इमिग्रेशन भी काफ़ी स्मूथ है, कुछ ज़्यादा कुछ क्वेश्चन एक कुछ नहीं बोलते, बस आते हैं फिंगर टच करो, फोटो खिंचवाओ और अपनी होम कंट्री वापस निकल जाओ। तो अभी मैं ड्यूटी फ्री एरिया में से जा रहा हूँ, तो बेसिकली यहाँ पे सारा सामान वगैरह मिलता है। ऑलरेडी अपने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर भी यही रहता है, तो बेसिकली मेरे को जाना है अभी D8 के ऊपर। सो देखो, अभी ये ऊपर आपको जो दिख रहा है D8, तो मेरा जो है वो D8 पे है। और एक बार नीचे आराम से चल लेते हैं, काफ़ी सही बना रखा है ये। तो गाइज बेसिकली जो है वो डिपार्चर एरिया है ये अपना स्वर्ण भूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, और यहाँ से काफ़ी लोग टूरिस्ट वगैरह जाते हैं, जापान के लिए, यूरोप के लिए, इंडिया के लिए, US के लिए, UK के लिए।
और गाइस आपको ना एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि देखो यहाँ पे ना पेट रिफंड वगैरह करवा सकते हो, लेकिन उसके लिए जैसे आप एयरपोर्ट पे एंट्री करते हो डिपार्चर वाले पॉइंट पे, तो वहाँ पर एक स्टैंप मरवानी होती है। अगर आप स्टैंप नहीं मरवाते तो फिर आपका यहाँ से वैट रिफंड नहीं होगा। जितना भी होता है 3-5% रिफंड ले लेना, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर बड़ी शॉपिंग की है, एक फिगर दे देता हूँ, अगर आपने 20,000 की शॉपिंग की है तो आपको 1,000 थाई बाट जो कि अप्रॉक्सीमेट इंटू 2.43 कर लेना, आपको रिफंड मिल जाएगा, तो वो ज़रूर करवा लेना। और बाकी देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, जैसे टेस्ट ऑफ थाईलैंड हो गया, सेंट्स ऑफ थाईलैंड हो गया, मतलब हर जगह थाईलैंड थाईलैंड लिखा हुआ है। तो गाइस आप देख सकते हो ये ब्यूटी एंड वेलनेस का हो गया, तो काफ़ी सही बना रखा है। जिम थॉम्सन देख रहे हो गाइस कितना सही लग रहा है ये ब्यूटी एंड वेलनेस का। डियोर हो गया, चैनल हो गया, लैनकॉम हो गया, ये बड़े बड़े ब्रांड्स हैं यहाँ पे। तो बेसिकली वो तो हर जगह ही होता है, हर एयरपोर्ट के ऊपर होता है कि जितने बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं सब लोग अपना एक पूरा अच्छे से लगा के रखते हैं। और ये सामने देखो, सामने कितना अच्छा लग रहा है, ये थाईलैंड का मॉडर्न थाईलैंड करके लिखा हुआ है, ऑटो ऑफ करके ऑटो ऑफ स्टोर। अब आई डोंट नो कि इनकी प्राइसेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा होगी। द थाई कलेक्शन E1 E2 है, F1 F6 इस साइड है, अपन को जाना है डी की तरफ। G1 G5 A1 A2 D1 D8 ओहो उस साइड जाना है। और गाइस ये देखो ये ऑटोमेटिक ना क्लीनिंग मशीन देख रहे हो कितनी ज़्यादा हाईटेक है। और गाइस ये यहाँ पे लिक्विड शॉप है, तो आप देख सकते हो अगर आप मोंटाई लेते हो तो 13,900 बात की है। तो ये सारी सिगरेट्स वगैरह भी हैं इधर। हाँ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस वाले एयरपोर्ट के ऊपर कहीं पर भी आप सिगरेट नहीं पी सकते, कोई भी स्मोकिंग जोन नहीं है। तो जो भी लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं गाइस आप लोग बाहर से ही पी के आ जाओ, मतलब जब तक आपके यहाँ से फ्लाइट टेक ऑफ नहीं होगी तब तक आप नहीं पी सकते, फिर आप अपने नेक्स्ट एयरपोर्ट पे ही जाने के बाद पी सकते हो। डी गेट पे जाना है अपन को ना, डी गेट पे पहुँचने वाले हैं कुछ देर के अंदर, देखते हैं। ऐसे आए हैं पीछे की तरफ से, स्नैक और ड्रिंक है, इनके प्राइजेस वगैरह देख लो एक बार। पानी का 60 बात है एयरपोर्ट के ऊपर, और बाकी 55 किट कैट का है, और ये बाकी छोटी छोटी चीज़ों का है, बाकी 50 बात इसका है, मतलब ऑलमोस्ट जो पहले था ना वो है। तो वो सबसे सही चीज़ तो भाई ऑटोमेटिक मशीन है, कितना सही लग रहा है। और गाइस ये देखो ऊपर कितनी सही सीनरी लगा रखी है, D8 अपना जो गेट है वो D8 है, D8 बंद कर रखा है। तो गाइस नीचे चलते हैं, D8 पे चलना है अपन को। और गाइस वॉशरूम वगैरह कुछ ऐसा है, देखो यहाँ पे 3 लगे हुए हैं और साइड है। सब दिखा थैंक यू। सो गाइस ऐसा कुछ ये एरिया है, और ये D8 वाला एरिया है, यहाँ पर ये चेक इन वगैरह हो रहा है अभी, और थोड़ी देर में अभी हमारा प्लेन आगे लगेगा, देन हम जाएंगे उधर। और काफ़ी ना स्लो सिस्टम है स्पाइस जेट का, आप ऑलरेडी वहाँ पर लग जाएगा प्लेन थोड़ी देर के अंदर, तो शायद से मे भी बसेस से जाएंगे। और बाकी ये मुझे बोर्डिंग पास मुझे मिल चुका है जो, तो गाइस स्पाइस जेट हमेशा की तरह 3:20 पे, और टाइमिंग जो लिखी हुई थी वो लिखी हुई थी 2:35 पे, ऑलमोस्ट 1 घंटा लेट।
कुछ नहीं हो सकता। सो गाइस, तीन तीन का कॉम्बिनेशन है। अपनी सीट 23F है। ये 6 है। सीट मिल गई। सो गाइस, लेग स्पेस तो देखो कितना कम है यहाँ पे। ये मेरी 23F है। गाइस, मैक्सिमम इस फ्लाइट के अंदर सब इंडियन ही हैं। सिर्फ दो ही लोग लिखे हैं मुझे, तो थाईलैंड से इंडिया के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। जल्द से जल्द अनाउंसमेंट हो रही है अभी। आप सभी से निवेदन है, ओवरहेड बिन पर लिखे सीट नंबर्स की मदद से अपनी कुर्सी पर बैठ जाएं। साथ लाए सामान को सामने वाली कुर्सी के नीचे या आपकी सीट के ऊपर बने ओवरहेड बिन में ही रखें। आपातकालीन निकास के पास बैठे पैसेंजर्स अपना सामान ओवरहेड बिन में ही रखें। धन्यवाद। To expedite departure, we request all the passengers to take their seats with the help of seat numbers written on the overhead bins. Please place your hand luggage under the seat in front of you or in the overhead bin located right above your seat. If you are seated in the emergency exit row, please place your hand luggage in the overhead bins only. Thank you. So guys, जैसे कि हमेशा की तरह होता है स्पाइसजेट, आज फिर लेट है। अब देखते हैं कि दिल्ली कितने बजे पहुंचते हैं। अगर टाइम पे पहुंचते तो मैं जल्दी चले जाता, अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। अब बस वही है कि आपसे डायरेक्टली मैं कल सुबह मिलता हूं। अभी ऑलमोस्ट अभी टेक ऑफ करने वाले हैं अभी, तो अभी पूरा दिखेगा ऊपर से बैंक को कैसा लगता है नाइट के टाइम।
खुले रखें। लैंडिंग के लिए मोबाइल फोन को पावर ऑफ या फ्लाई मोड में कर लें और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद रखें। शौचालय का प्रयोग वर्जित है। यदि आपका चेंज हमारे पास है क्या है आपसे निवेदन की हमारी कैबिन क्रू से संपर्क करें। धन्यवाद। In preparation for landing, please place your hand luggage and overhead bin located right above your seat or under the seat in front of you. Passengers seated in row 1 or in the emergency exit rows are required to store their hand luggage and overhead bins only. Please fasten your seat belt, close your tray table, keep your seat back upright and open your window shades. All mobile phones must be either in the power of a flight mode for landing. Other electronic devices. तो गाइज अभी ये मैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर पहुँच चुका हूँ। ये अपना प्लेन था जिससे अभी अपन उतरे हैं और ये अभी अपन बस निकल रहे हैं। अभी 17 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक ठाक है। और वहाँ पर वो विस्तारा का एयरप्लेन खड़ा है और काफ़ी सही लग रहा है वापस आके। गाइस अभी मैं आ चुका हूँ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर। तो फ्लाइट काफ़ी सही रही, बहुत ज़्यादा थक गया था तो इसीलिए पहले ही जैसे ही मैं बैठा फ्लाइट के अंदर जाते ही सो गया था। उसके बाद बस जस्ट थोड़ी देर पहले उठा था और कुछ शॉट्स वगैरह लिए थे फ्लाइट का। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। और गाइस अभी जा रहा हूँ मैं इमिग्रेशन पर और ये अपना एग्ज़िट और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट इस साइड है। तो अभी मैं वहाँ पर जा रहा हूँ इमिग्रेशन पर, देखता हूँ क्या होता है। दैन उसके बाद ओवरऑल काफ़ी सही ट्रिप थी। अभी नेक्स्ट ट्रिप जब भी प्लान बनेगा गाइस यहीं से हम वापस अपनी नई ट्रिप को शुरुआत करेंगे। एक बार इमिग्रेशन करा लेता हूँ, देन उसके बाद बताता हूँ इमिग्रेशन पे क्या पूछा। आई डोंट थिंक सो ज़्यादा कुछ पूछते हैं। तो गाइस इमिग्रेशन काफ़ी स्मूथ था, कुछ क्वेश्चंस वगैरह नहीं पूछते, फटाफट स्टैम्प वगैरह लगा देते हैं। तो गाइस अभी ये ट्रिप हमारी यहीं पर ही एंड होती है। थाईलैंड काफ़ी अच्छा लगा ओवरऑल, अगर मैं बोलूँगा तो वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज़ है ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छी कंट्री है। तो गाइस फिर मिलते हैं एक नई ट्रिप में एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।